अब देश में दू विधान दू प्रधान दू निशान नहीं चले। जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 हटाए के बाद पूरा देश में जश्न के माहौल है। धमतरी में भाजपा के जम्मू कार्यकर्ता और जिलावासी मन में भारी उत्साह देखे बन गए। बाजा गाजा फटाका और रंग गुलाल लगा के लोगन जश्न मनाए। का कहना है वहाँ के लोगन मन के आवाजान धमतरी में देश भर में धारा 370 हटाए के बाद भारी उमंग और उत्साह हमारे धमतरी में देखे मिले थे। आओ हम चर्चा करबो, यहाँ उपस्थित है धमतरी के विधायक रंजना डिफेंस साहू, हम से चर्चा करबो। पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश में हर एक व्यक्ति के मन में एक खुशियाँ है और इस खुशियों को हम सब मनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामल प्रसाद मुखर्जी का सपना था एक भारत हो अखंड भारत हो, उनके सपने को साकार करते हुए उनके सपनों को पूरा करते हुए देश के मुख्य माने नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया। भी उपस्थित हावे धमतरी के समाज सेवी सुबोध राठी जी, हम अनुकर से गुड बात करबो। आज पूरा देश में उत्साह का वातावरण है और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर का वास्तविक भारत में विलय हुआ है और ये ऐतिहासिक क्षण है। हम सब आज पूरे खुश हैं और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धमतरी में कैसे है आज जो माहौल है पूरा भारत में और धमतरी में? धमतरी में आप मन देखा तो यहाँ होली और दिवाली एक साथ चला थे, थोड़े देर पहले फटाका फूटे है और अभी रंगों के होली हमन सज्जन खेला था और हमारे जवान मन जो खून के होली कश्मीर में खेले रही आज ओखर प्रतिफल है कि हम सब यहाँ रंग और गुलाल के होली खेल पाथन। अब वो कश्मीर हमार रही और मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो पाक अधिकृत कश्मीर जो थोड़ा सा बचे है अगले सोमवार के और 15 अगस्त के मुजफ्फराबाद में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, ये हमार मोदी जी से निवेदन है। जनपद अध्यक्ष प्रियंका राजू सिन्हा, हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता चाहे जनप्रतिनिधि हो संगठन के हमारे जितने भी हैं, एक खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल है कि 370 धारा जो हटा है आज जम्मू कश्मीर के तहत, ये हमारे बहुत ही खुशी की बात है और इसी की जश्न मना रहे हैं। अभी हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू सिन्हा जी भी उपस्थित हावे, हम उनकर से चर्चा करबो। 370 खा और धारा 370 35 ए विभिन्न धाराएं 1947 में जब देश आज़ाद हुआ जी जी, आज़ादी के तुरंत पश्चात इस देश में गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे देश के जितनी भी रियासतें थी उनको केवल हैदराबाद को और कश्मीर को, ये दो जगहों को छोड़ के पूरे देश को एक किया और अखंड भारत का निर्माण उनके माध्यम से हुआ। केवल दो जगहें जो बच गई थी, हैदराबाद बाद में विलय हो गया था भारत में, केवल कश्मीर का विषय जो बचा था जी जी। वो 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के पश्चात धारा 370 खा हटाया गया और जो दो निशान दो प्रधान और दो विधान की व्यवस्था वहाँ पर थी वो ख़त्म हो गया था उनके बलिदान के पश्चात। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भाजपा के संस्थापक रहे, इसी मुद्दे को लेकर भाजपा का निर्माण किए थे और आज वो मुद्दा मैं ऐसा समझता हूँ कि आज खात्मे की ओर है। धारा 370 खा तो उसी समय ख़त्म हो गया था, आज धारा 370 ख़त्म हुआ है और आज जो लोग हमारे सामान्य व्यक्ति वहाँ पर बिना परमिशन के जा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ के लोगों से समन्वय बनाकर शादी ब्याह का विषय भी कर सकते हैं। भाजपा एकर बहुत पहली से मना बहुत दिन से एकर मांग करत रही से, आज लंबा अंतराल के बाद में ये धारा हटे है तो आज पूरा भारत में हमर धमतरी में कैसे है माहौल अभी? बिल्कुल पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। कोई भी व्यक्ति मैं ऐसा समझता हूँ जो देश का हित चाहता है वो आज दुखी नहीं है, चाहे वो भाजपाई हो कांग्रेसी हो, लोग स्वयं इस विषय को लेकर खुश हैं। एक राजनीतिक दल के लोग केवल राजनीति करने के लिए विरोध कर रहे हैं जी जी। लेकिन वो भी अंदर से खुश हैं कि पूरे देश में आज एक खुशी का माहौल है, पूरे देश में एक विधानिक व्यवस्था बन रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ पूरा देश खुश है इससे। केवल राजनीति करने के लिए कुछ दल ऐसा विरोध करने का एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और सहयोगी दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, न्यूज़ 36 धमतरी।